वो हमारे यहाँ कुछ अपीयरेंसेस पे चलते हैं ना हम जरा, तो उनका ये तो आर्टसी एक्टर टाइप है, इसको बुला लो. तो इस तरह की थोड़ी रेप्यूटेशन बन गई, तो काम ही इस तरह का आया जो कि अच्छा हो गया. इसलिए तो मैं 3 साल से टीवी नहीं कर रही. मैं इतना रिस्पॉन्सिबली पिक करने शुरू कर दिए स्क्रिप्ट के, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं बचा. तो अब जिन्होंने करना है, जिन्होंने काम करना है, जिनके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है, या जिनको ये काम पसंद है बहुत ज़्यादा, इट्स यू नो एक एडिक्शन भी है हमारे काम की, तो हमें भी है यार, हम भी करना चाहते हैं, फिर शायद वो चूज़ करते हैं जाना. तो इट्स ये बड़ा पर्सनल चॉइस वाला मामला है. मैं उस इस डिसीजन की वजह से, आप पैसे कम बनाते हैं, आप दिखते कम हैं, आप ये भी भूल जाते हैं लोग कि आप अदाकार भी हैं. जैसे अक्सर लोग अभी मुझे मेरी शायरी की वीडियोस के नीचे मशवरे देते हैं, क्या आप एक्टिंग में ट्राई करें, एक्टिंग ट्राई करें, आप एक्टिंग में चल जाएंगी. कहाँ यार, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ फंस गए हैं, ये होगा हमारे साथ, हो रहा है, होगा क्या, हो रहा है, और अब शायद ये अपने किसी क्लाइमैक्टिक मंतकी अंजाम की तरफ. मुझे लग रहा है आई थिंक अब इंडस्ट्री को रिएक्ट करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा. तुम्हें क्या इशू है हमारे स्क्रिप्ट से? मुझे तो बहुत सारे हैं. बहुत सारे इश्यूज तो ऑब्वियसली मुझे भी हैं, मगर मैंने पिछले कुछ 2-3 साल में एक और चीज समझी है, और वो ये है कि इवन मैं और आप जो है ना, हम वाकई इस मुल्क का एक महदूद तबका है. हमारे मुल्क में मर्द एक्चुअली वैसे ही हैं जो इसका डिस्प्ले, अभी 2 रोज़ पहले हम टेलीविज़न पे हमारे इतने मशहूर राइटर की सूरत में देखकर हैरान और परेशान हो गए, बौखला गए कि ओह माय गॉड, चेहरा आईना देख के ये मर्द. और तुम्हें पता है कि ही वाज ट्रेंडिंग और लोग उसका साथ दे रहे थे. हम उस मुल्क में रहते हैं जी, तो इसलिए फिर बहुत सारी कहानियाँ हमें बाकायदा रिपेटिटिव लगने के बावजूद सच्ची कहानियाँ ही हैं, और वहीं घूम रहा है ये माशरा मुसलसल. इस वक्त कहानियों की वैल्यू कथार्टिक है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है वैसे दिखा दो, और कुछ लोग उसको देखकर रो के अपना कथार्सिस कर लेंगे, कुछ शायद के साथ बैठा हुआ शौहर समझ जाए, साथ बैठी हुई नंद समझ जाए देख कर. बट हम इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे. कुछ यहाँ है एक्चुअली हमारे करने वाला काम. हमारे करने वाला काम यहाँ शुरू होता है कि अच्छा, आपने कैथार्टिक वैल्यू तो दे दी. ये मैं समझती हूँ कि हर कोई अपनी कहानी, अपना रंज, अपना दुख देखना चाहता है, ये एक अंडरस्टैंडेबल बात है, कोई मजायका नहीं है इसमें. लव स्टोरीज क्यों चलती हैं? एक ही कहानी होती है, वही फार्मूला बार बार, क्योंकि एक मोहब्बत का कैथार्सिस, मोहब्बत की ख्वाहिश. यार और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा. लेकिन अब जो पार्ट है जहाँ पर हमारे स्क्रिप्ट्स के थ्रू थोड़ी करेक्शन हो सकती है, उसके लिए हौसला करना पड़ेगा ऑब्वियसली चैनल ओनर्स को. क्योंकि हर चीज़ बहुत अच्छा टीआरपी लेवल पे परफॉर्म नहीं करेगी, जो मुख्तलिफ बात होगी, लेकिन इस किस्म की सोच को राइज करने के लिए ये एक बड़ा बतदरीज प्रोसेस है ना इफ़त, इट टेक्स टाइम. एक प्रोजेक्ट से नहीं होगा. यहाँ एक प्रोजेक्ट जरा मुख्तलिफ आता है, उसकी रेटिंग नहीं आती, ऐसे कान पकड़ लेते हैं लोग कि आइंदा नहीं बनाएंगे, ब्लैकलिस्ट कर देते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स को, जो डायरेक्टर्स हमारा असासा हैं, उन राइटर्स को पूछना बंद कर देते हैं जो मेरे ख्याल में हमारा असासा हैं. यू नो उन पर डार्कनेस का धब्बा लग जाता है, उन पर आर्ट सिनेमा होने का धब्बा लग जाता है, उन पर पैरेलल होने का धब्बा लग जाता है. ये धब्बा है, ये धब्बा लगा देते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि फिर ये धब्बा इसलिए हो जाता है क्योंकि काम नहीं मिलेगा आपको. तो जब आपको काम नहीं मिलता, और अगर आप एक वर्किंग एक्टर हैं, वर्किंग डायरेक्टर हैं, वर्किंग राइटर हैं, इससे आपका घर चलता है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके मामलात चलते हैं, तो फिर तो ये धब्बा ही है. फिर ये किसी को क्या दे रहा, फिर तो ये धब्बा ही है. ऐसे क्रिटिकल अक्लेम का एक आर्टिस्ट कितनी देर क्या अचार डाल लेगा, क्या कर लेगा उसका? हाउ डू यू पे द बिल्स? आई मीन मैं इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग, बड़ी जो सच्ची सी बात है, इस वक्त ये अय्याशी कि मैं नहीं कर रही बहुत एक्टिवली काम, और वो चीज़ें कर रही हूँ जिसमें या तो पैसे नहीं है या बिल्कुल कम पैसे हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा वक्त दे रही हूँ. इसलिए वो मेरा शौहर जाता है नौकरी पर, कमाता है, वही रेंट देता है, वही बिल्स देता है, तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ इस वक्त ऐसे करना. बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, और वो मजबूरी के उसमें उनको करना पड़ता है जो काम चल रहा है. काम चल, तो तुम्हारे जैसे लोगों को फिर चेंज लाना पड़ेगा जो स्टैंड ले रहे हैं अपने साथ, अपने आप को बीच में नीचे करके, पैसे ना कमा के. आई थिंक हिस्ट्री विल थैंक यू फॉर दिस. अभी तो मैं अपना सारा कुछ बेच बाच के, जो मेरे पास अपनी मेरी कोई पूंजी थी, उसके साथ मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा
मैंने एक्टर्स ढूंढे जिनकी एक्टिंग पे मुझे एतबार है, मैंने वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर ढूंढी जिसकी म्यूज़िक कॉम्पोजिशन पे मुझे एतबार है। एक पूरा साल कोई और काम ना करके प्रेप करके एक फिल्म को मैं फ्लोर पे लेकर गई जो कि मैंने आधी बना ली है, जो कि मेरी आधे जितने ही पैसे थे मेरे पास जिससे आधी बन सकती थी, लेकिन उसके आगे फिर वहीं आकर खड़े हो गए ना हमें फिर फाइनेंसर नहीं मिला। फाइनेंसर कहता है कि एच शान होवे ते मज़ा आ जाए, एच फात मुस्तफा होंदा ते मज़ा आ जाता, एच व्हाट डू यू डू दैन, व्हाट डू यू डू, देयर इज़ नथिंग। हर इंसान, हर आर्टिस्ट अपने आप को एक सर्टन पॉइंट तक पुश कर सकता है, अपनी हैसियत, अपनी बिसात, अपनी औकात के हिसाब से। बिल्कुल सही बात। उसके बाद मैं भी अब आधी फिल्म पौने 2 करोड़ रुपए फंसा के बैठी हुई कर रही हूँ, लेकिन अपनी अब मैं अच्छा फिर वो नहीं होता तो फिर मैं कोई किसी का ऐसा प्रोजेक्ट करने चली जाती हूँ। जैसे अभी लास्ट ईयर आई डिड आसिम अब्बासी की एक वेब सीरीज है चुड़ैल्स, वो 4 महीने की ग्रूलिंग शूट थी। हम सब ने ही उसमें बहुत कम पैसे लिए क्योंकि हमें साफ नज़र आ रहा था कि प्रोडक्ट पे पैसा लगाया जा रहा है, कहानी में दम है, किरदारों में दम है, अदाकार थे बहुत अच्छे, हर बंदा अपने काम में महारत रखने वाला, डिजर्व करता था कि यार इसको ये यहाँ खड़े होना चाहिए। वो वैसे काम करती हूँ फिर जिसमें पैसा फिर नहीं है फोकस, तो जब तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर पा रही तो उन लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ। तो एक छोटा सा क्लब है इस वक्त परफॉर्मेंस थिएटर के नाम, प्लीज मुझे भी उसमें शामिल कर, क्लब 432 भी शुरू हुआ है। आई विल वर्क प्रो बोनो, बस अपनी पसली के हिसाब से। मेरे पास कलम है, अब पैसे खत्म हो गए, अब कलम है, वो चला दूंगी जिसके लिए भी जो चाहेगा। एक्टिंग करनी आती है तो जो भी मुझे जहाँ लगेगा कि ये कॉज, ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो हम आई थिंक एज आर्टिस्ट ये भी कर सकते हैं जो हम अभी नहीं कर रहे। तो सोल्यूशंस पे जहाँ बात आए तो वहाँ ये बात आए कि अगर मैंने सोचा, आपने सोचा, 4 और लोगों ने सोचा, यार हमें नहीं समझ आ रही बस, तो फिर हम 4 में इतनी तो है कि हमारे मुँह को कोई एक दिन कैमरा दे देगा। बिल्कुल सही बात है, हम 4 एक्टिंग कर लें। बिल्कुल सही बात, 4 मिल मिला के कुछ पूरी दुनिया में हो रहा है। अब औरतें अपने लिए स्क्रिप्ट खुद लिखवा रही हैं, स्टोरीज खुद लिखवा रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं। गॉन गर्ल, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग हर इंटरव्यू रीस विदरस्पून, राइट? यस। एंड शी वॉज लाइक के मैं तंग आ गई थी कि हर नैरेटिव में औरत जो है वो कोई मसला हो गया तो मर्द की तरफ देख के कह रही है हाँ अब क्या करें, एग्जैक्टली व्हाट डू वी डू। तो कहती है कि क्राइसिस हो, दुनिया में कुछ भी हो, तो लोगों को बताया जाता है कि किसी औरत से जाके पूछना, क्योंकि उसको पता होगा क्या करना है। बिल्कुल, घर औरत चलाती है, बच्चे औरत पालती है, सारे सिस्टम को मैनेज औरत करती है, बड़ी बड़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज औरत करती है, तो वो क्यों पूछेगी किसी क्राइसिस में खड़ोगे कि क्या करूं? तो शीज़ लाइक कि बस फिर मेरी बस हो गई थी, तो मैंने उसी की एक एसोसिएट के साथ मिलके कहती हमने स्क्रिप्ट मंगाने शुरू किए, हमारे पास ये स्क्रिप्ट आया, हमने कर दिया प्रोड्यूस। तो ये हमें अब खुद करना होगा, खुद करना होगा। और यासरा, अब ये तारीख है और महज़ब मुल्कों में ये होता है।